आज है मेरा बर्थडे, सरप्राइज है जो मतलब आई जस्ट विश हम साथ में सेलिब्रेट कर पाते। आई एम ऑल सेट टू गो। गुड मॉर्निंग, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज है मेरा बर्थडे एंड आई एम रियली रियली हैप्पी। तबीयत भी मेरी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यार मुझे। मतलब आई पता नहीं, बहुत लोग होते हैं ना जो बर्थडे के लिए इतने एक्साइटेड नहीं होते, बट आई एम ऑलवेज वेरी एक्साइटेड फॉर माई बर्थडे, पता नहीं क्यों। वैसे तो मेरी एज बढ़ रही है और अब अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को। तो लगता है मैं अभी भी मतलब आई एम लाइक अ बच्चा फ्रॉम हार्ट। पुनीन मुझे बोलता कई बार ग्रो अप, मेरे को लगता है यार ठीक है यार, ऐसे ही रहना चाहिए यार, ग्रो अप करके भी क्या ही उखाड़ लेंगे लाइफ में। तो इट्स माय बर्थडे टुडे एंड अभी सुबह सुबह उठी हूँ मैं, फ्रेशन अप हुई हूँ। पुनीत ने मुझे बोला ही इज मेकिंग ब्रेकफास्ट फॉर मी, एक्चुअली उसने बनाई दी है। आई एम लिटिल लेट, तो मैंने अभी ब्रश वगैरह कर लिया है एंड उसके बाद ही हैज प्लान्ड द डे फॉर मी। मुझे पता नहीं है कहाँ जाएंगे हम, क्या करने वाले हैं, तो अभी मैं फटाफट खाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट। हाय बोलना तुम्हें, आ जाओगे व्लॉग में? तो अब इसने मेरा ब्रेकफास्ट तो बना दिया, तो मैं बैठ रही हूँ, मैं अपनी चाय ले लेती हूँ यहाँ से। आई डोंट नो क्या प्लान है, कहाँ जाने वाले हैं, बट हम डिनर के लिए जाने वाले। इतना इसने मुझे बता दिया है कि हम डिनर के लिए जाएंगे कहीं। घर भर पे बात करी, सबने फ़ोन करा हुआ था तो सबसे बात करी, बहुत अच्छा लगा। घर पे सबने कुछ ना कुछ मीठा बनाया हुआ है, और मेरे घर पे और पुनीत के घर में दोनों घर में एक चीज़ जो बनी हुई थी वो थी गाजर का हलवा, विच एक्चुअली बोथ ऑफ अस आर एक्चुअली मिसिंग अ लॉट। आई जस्ट लव गाजर का हलवा, तो वो देख के ना मेरे मुंह में पानी आ गया। यहाँ पे गाजर का हलवा तो नहीं खाया मैंने, बट कैरेट केक खाया था एक दो बार, विच वॉज क्वाइट गुड। बट यू नो गाजर का हलवा जो उसमें घी और खोया डल के जो बनता है वो अलग ही मजा होता है। जब मैं इंडिया जाऊंगी तब खाऊंगी, कब जा रहे हैं हम वो मैं नहीं बताने वाली हूँ, बट वेरी वेरी सून जब भी जाऊंगी इंडिया जाके बहुत सारी चीजें खानी, इतना सब कुछ लिस्ट में लिखा हुआ मैंने। पुनीत ने मुझे दो ऑप्शन दिए कि यार डिनर पे कहाँ जाना है, या तो इटालियन वुड फायर्ड पिज्जाज एंड, तो या तो वो ऑप्शन है, या सेकेंड ऑप्शन है एक यहाँ पे रेस्टोरेंट है तंदूरी फ्लेम, विच इज ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बूफे, इंडियन बूफे रेस्टोरेंट है। जैसे बारबेक्यू है ना इंडिया में, जो लोग उनको पता होगा बारबेक्यू कितना फेमस है इंडिया में, तो स्टार्टर्स वगैरह तंदूरी स्टार्टर्स सर्व करे जाते हैं ऑन द टेबल और बूफे सेटअप होता है बहुत नाइस। आज पता नहीं क्यों मेरा ना मतलब बहुत टाइम से ना वो इंडियन बूफे खाने का मन कर रहा था, मतलब और स्पेशली वेज खाने का मन कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर मीट एंड नॉन वेज तो बहुत मिल जाता है, बट वेजिटेरियन खाना इतने आसानी से नहीं मिलता। तो ना आई वॉज रियली क्रेविंग फॉर सम गुड पनीर टिक्का, और वो कॉर्न वाली चाट टाइप होती है, देन पापड़ी चाट, गोल गप्पे, तो ना मेरा बड़ा मन कर रहा था। हम शाम को वहाँ जाने वाले हैं खाने, तंदूरी फ्लेम में जाने वाले हैं हम बूफे करने, आई एम रोली रोली एक्साइटेड। पुनीत ने मुझे बोला कि कुछ सरप्राइज है जो वो मुझे दिखाने वाला है, और आई कैन सी इट, तो कुछ वीडियो बनाई है इसने। हार्ट हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे सना, होप टू सी यू सून। माय फेवरेट मेमोरी हैज टू बी हम जीना खेलते थे ड्यूरिंग द लॉकडाउन डेज, आना हमेशा हार जाते थे, सो यू शुड। मैं जीतती भी हूँ, थैंक यू, वी मिस यू, मिस यू टू। Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Oh boy, dance किसने choreograph करे हैं? मैं करती थी पहले तो ये सब चीजें। कहीं भी इसमें कमरे में वाला ही मेरे रूम में पड़ा रहता है। Oh my God, पूरा choreograph करे मम्मी पापा। देखिए। मतलब
मतलब आई जस्ट विश हम साथ में सेलिब्रेट कर पाते. रशिया कोरियोग्राफ तो तभी उसने कोरियोग्राफ कर दिया, मम्मी पापा के लिए खुद नहीं आया. खुद कैमरा के पीछे से बोल दिया रशिम ने हैप्पी बर्थडे. दिस थिंग इज समथिंग जिसको मतलब इट इज रियली वेरी लाइक आई कैन. अभी मैंने एक बार देखा है, अब मैं इसको बार बार देखूंगी और खुश होंगी जब मुझे घर की याद आएगी. थैंक यू सो मच, आई मिस यू गाइज अ लॉट. मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे. आज इसने जो करा मेरे को बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. I'm all set to go and I'm wearing all black today. अब बस पुनीत की वेट है, पुनीत जी रेडी हो जाए तो हम फटाफट चलेंगे एंड हम जा रहे हैं ब्रैम्पटन. पहले मैं सोच रही हूँ हम मिसिसागा जा रहे हैं, बट हम जा रहे हैं ब्रैम्पटन और हम जाएंगे गो ट्रेन में. तो ये ना बारबेक्यू नेशन जैसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे बीच में वो नहीं है जो बूफे तंदूर होता है ना. गाइस इतनी भूख लग रही थी ना. देखो दिल्ली के जो इंडिया में बारबेक्यू नेशन है वैसा तो नहीं है मज़ा, बट स्टिल नॉट बैड है ना. वेज ऑप्शंस इतने नहीं है, पनीर टिक्का मुझे तो अच्छा नहीं लगा. नॉन वेज ऑप्शंस हैं जो अच्छे हैं काफ़ी. अमृतसरी फिश आई रियली लाइक. तो ओवरऑल अभी तक स्टार्टर्स आर गोइंग गुड. सिर्फ वेज थोड़े और होते तो बेटर होता. अभी हम चाट पापड़ी गोलगप्पे खाएंगे. मैंने गोलगप्पे ऑलरेडी देख ली हैं. आई एम एंजॉयिंग माय बर्थडे डिनर. अनानास मसाला बंटा रियली नाइस. ये भी है इंडियन नमकीन मट्टी. दीज आर नॉट सूजी वाले, ये मिक्स है अलग अलग. सूजी की भी है बट ये वैसे वाले है. भाई पानी है बहुत बढ़िया है, ये पानी बहुत बढ़िया है. संगा कुछ तो मिला सूजी वाला. मतलब ये प्योर आटा भी नहीं है, प्योर सूजी भी नहीं है. मजा आ गया ना. यम्मी है ना. ये पानी बहुत सही है. जिसने भी बनाया है पानी उसको सीख कबाब की माफी है. सीख कबाब अच्छे नहीं थे वो माफ कर दिया हमने क्योंकि क्या पानी बनाया भाई ने. मजा आ गया. मैं आपको गोलगप्पे बना के देता हूं. यस क्या रेट है आपके? $5 के गोलगप्पे. ये संग सामान लाइए, आलू चटनी और गोलगप्पे. ये सूजी वाले ही है बट इट इज लिटिल डिफरेंट टू व्हाट वी गेट इन इंडिया. ये वाला पानी वाला पानी मिक्स नहीं करना. नो गाइस माय बर्थडे गोलगप्पा. मस्त है ना. वैरायटी तो पूरी रखी है ना, हर चीज़ है.
सांभर वड़ा, पेट में जगह खत्म हो रही है, मन नहीं भर रहा। जलेबी भी है पतली पतली। अभी तो डेजर्ट में पहुंचेंगे ना गाइस, डेजर्ट्स पे अभी हम पहुंचेंगे। डेजर्ट में क्या वैरायटी है ये मालपुए है। फ्रूट क्रीम डेजर्ट टाइम लेने वाली डेजर्ट खाई है तुमने? बॉडी बढ़ गया जलेबी। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग ऐसी मिलेगी यार। गाजर का लोग आया समय क्या हुआ? क्यों खाया इतना? तो बस अब केक कटिंग करते हैं और बर्थडे की समाप्ति करते हैं। इट वॉज अ गुड गुड बर्थडे इन कैनेडा। आई एम मिस माई फैमिली अ लॉट, बट जल्दी ही कमिंग ईयर में मैं जाने वाली हूँ या नहीं वो आपको पता चलेगा। और मैं जाके सबसे इंट्रोड्यूस कराऊंगी, सबसे मिलूंगी, सबको हग करूंगी। आई मिस यू ऑल वेरी वेरी मच। थैंक यू एवरीबडी फॉर ऑल योर विशेज। द वीडियो वॉज रियली गुड। और बाकी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं जिन्होंने मुझे विश करा, थैंक यू वेरी मच। अब केक कटिंग करते हैं और मैं आपको फिजिकली तो खिला नहीं सकती, वर्चुअली ही खिला देती हूँ। तो चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर संगु, हैप्पी बर्थडे टू यू। सो ये केक आप सब लोगों के लिए। थैंक यू एवरीबडी फॉर ऑल द लवली विशेस, कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी, एंड ये लो आप लोगों के लिए केक। सो या गाइस, दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, कीप शार्परिंग योर लव ऑन मी, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।